चलिए आपको समय में कुछ पिछले चलते हैं और दिखाते हैं आपको पिछले साल वाला हरिद्वार, कितनी ज़्यादा भीड़ थी तब, कितनी ज़्यादा रौनक होती थी हरिद्वार में। और उसके बाद हमने एक महामारी को झेला, कोरोना नाम की, और समय जैसे एकदम से बदल सा गया है। चलो फिर से लौट आते हैं अपने ही टाइम में और देखते हैं आज का हरिद्वार। ये हमारे ड्राइवर साहब हमारे निजी मित्र रास्ते भी अजीब हैं, दोस्तों के साथ अपनों के साथ पता नहीं चलता कि रास्ता कब बीत गया, कब मंजिल मिल गई हमें। लाइफ भी यही सिखाती है कि अपनों के साथ आपके रास्ते का, आपके संघर्ष का पता नहीं चलेगा कब आप मुकाम पे पहुंच गए, एक ख्वाब सा लगेगा आपको। राम राम दोस्तों। कल चले थे घर से हरिद्वार के नाम का, सोचा था बहुत दिन हो गए लॉकडाउन में घर पे रहते रहते, तो हमने दोस्तों ने प्लान बनाया कि भाई चलो निकलो घर से तो कहीं ना कहीं तो चलते हैं। तो हरिद्वार का सजेशन आया तो अभी फ़िलहाल हम हरिद्वार में बैठे हुए हैं, कल शाम को आ गए थे, ये हमारा होटल रूम है। तो अगर हम ये बताएं कि आप हरिद्वार कैसे आ सकते हैं उत्तराखंड के लिए, कोई ई पास लगता है या कोई कोरोना रिपोर्ट लगती है तो उसके लिए बता देते हैं। उसके लिए आपको ई पास की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, वहाँ पे आप प्रॉपर रीज़न डाल सकते हैं अपना कि आप किस कारण से आ रहे हैं, घूमने के लिए या किसी शादी में या किसी रिलेटिव से मिलने या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसमें आप प्रॉपर रीज़न डाल के अपना ई पास इशू कर सकते हैं। उस वो 15 मिनट में ही आपको मिल जाएगा, वो हर पूरे उत्तराखंड में आपको उसकी आवश्यकता रहेगी। हमारे पास ई पास था लेकिन हमसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है अभी तक हमसे किसी ने ना तो ई पास ना ही कोई कोविड रिपोर्ट कुछ नहीं पूछा गया है। और अभी 1 सितंबर से उत्तराखंड स्टेट ने अनाउंस किया था कि आपको कोविड रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, आप ई पास के ज़रिए ही यहाँ आ सकते हैं और अपना टूरिस्ट का जो पहले का साइकिल बना हुआ था उसको दोबारा से आप टूरिस्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी एक पूरी इंडस्ट्री होटल की, खाने की, रेस्टोरेंट की, वो पूरी बंद सी हो गई थी, तो आप उसको दोबारा से चलाने में मदद कर सकते हैं। इसके आगे अभी हम घूमने जाएंगे मनसा देवी या जहाँ भी हरिद्वार में, तो वो आपको दिखा देंगे। प्रकृति का ये रूप भी हमें हमेशा सिखाता रहता है, ये पहाड़ियाँ, ये घाटियाँ हमारी लाइफ की तरह ही तो हैं, सुख और दुख ऐसे ही तो हैं, कहीं ऊंचाई है कहीं गहराई है। और एक समझदार आदमी अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से, अपनी शांति से दोनों को पार कर ही लेता है, चाहे उसके जीवन में ऊंचाई हो चाहे उसके जीवन में गहराई हो।
हर तरफ यही तो है। पानी हमें हमेशा सिखाता रहता है कि कैसे हम शीतलता से, सहनशीलता से जीवन में चलते ही रहना है, बस बहते ही रहना है, हर सिचुएशन में एक समान भाव से अपना रास्ता खुद बनाते हुए बस आगे बहते ही रहना है, बहते ही रहना है। ये भीड़ के मेले हमेशा ही संदेश देते रहते हैं कि जीवन के साथ बहने में कितनी शांति और आनंद है, और जीवन के अपोजिट बहने में कितना दुख, जैसे पानी की लहरों को चीरने में कितनी ताकत लगानी पड़ती है, और पानी के साथ बहने में हमें लाइफ बिल्कुल आनंदमय और शांति भरी प्रतीत होती है।